वो ये अयोध्या को अपनी ननिहाल मानते हैं। 48 एडी में यहाँ से महारानी गई होंगी। कोरिया और अयोध्या के रिश्ते जुड़े हुए हैं आपस में। अयोध्या के दीपोत्सव की चमक इस बार साउथ कोरिया में भी दिखेगी। योगी सरकार ने साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी को इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट बनाया है। माना जा रहा है कि इससे दोनों ही देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। वैसे भी अयोध्या और साउथ कोरिया के रिश्ते तो सदियों पुराने हैं। दो हजार साल पूर्व अयोध्या की राजकुमारी हो समुद्र रास्ते से कोरिया पहुंची और वहां उन्होंने जिम्हे के राजा सूरो से शादी की। उनके पुत्रों ने कोरिया बसाया जो आज कोरिया गणराज्य के रूप में विकसित है। लगभग 2200 लोगों के साथ स्वरत्ना अयोध्या से जो है ये 22 शिप जो है कोरिया गई हुई थी। वहाँ पे उनका जहाज जो था वो टूट गया था और उसी जहाज जब टूटा उस समय रानी हो और बाकी लोग जो मेंबर्स थे वो बेहोश हो गए थे। कहा जाता है कि उस समय जो कर्क वंश के जो वहाँ पे प्रिंस थे उनको ये सपना आया कि अगर आप बेहोश जो लड़की है उससे आप शादी कर लें तो आपका वंश जो है वो बहुत बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी की शादी साउथ कोरिया के कारक वंश के राजा के साथ हुई थी। इसकी जानकारी भारत को तब हुई जब इन रिश्तों की जड़ तलाशते हुए कोरियन दल अयोध्या पहुंचा। सन 1999 में इन्होंने अपने स्मारक का जो पत्थर आया है वो मेरे नाम से इन्होंने भेजा था। फिर मैंने उसे जो है बंदरगाह से कलेक्ट करवाया और फिर मैंने अनुरोध किया यहाँ के शासन और प्रशासन से कि इसका जो है सम्मानजनक ढंग से लगाया जाए। उस वक्त श्री राम प्रकाश गुप्ता जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने फिर जो है यहाँ पे जमीन अलॉट करवाई उन्हीं के आदेश से और यहाँ पे ये स्मारक बना। ₹2001 में ये स्मारक यहाँ पर स्थापित हुआ है। उसके बाद से कोरिया का डेलीगेशन हर साल यहाँ पर आता है, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राजा अयोध्या का आतिथ्य ग्रहण करते हैं और उनसे मिलने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि हम अपने ननिहाल में आए हैं और एक भावात्मक संबंध उनका डेवलप होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरिया विजिट के बाद सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशनशिप का एक मेमोरेंडम भी साइन वहाँ पे हुआ था और उसके बाद जो है यहाँ पे जमीन देने की बात आई, जमीन अलाट भी हो गई और 24 करोड़ रुपए बाकायदा कोरियाई थीम पार्क के लिए अलाट भी कर दिए गए हैं। जिस दिन योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे उस दिन थीम पार्क का उद्घाटन भी बाकायदा वो करेंगे। दीपोत्सव के आयोजन में जो कोरिया के प्रथम महिला आ रही हैं निश्चित रूप से इससे अयोध्या को भी फायदा मिलेगा। कोरिया से संबंध में एक सांस्कृतिक विनिमय हो और दोनों देशों में एक बड़ा आदान प्रदान हो, उसके बहाने यहाँ के बच्चे वहाँ बाहर पढ़ने जाएं, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आएं, यहाँ से कल्चरल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, एक सकारात्मक इसका स्वागत किया जाना चाहिए।